गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे? द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटीज़, कि जो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में। ओके, ये अमाउंट होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, यानी जब आप उसको यूज़ करते जाओगे तो वो क्या होता जाएगा, फिनिश होता जाएगा। ठीक है, देखो जैसे क्या है हमारे एग्जाम्पल्स, देखो इसके अंदर क्या है, जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। जैसे कोल और पेट्रोल हमारा क्या, बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ऐसे डीजल एंड कैरोसिन ये भी हमारे क्या हैं, बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी जितना आप यूज़ करते जाओगे उतना ही क्या होते जाएंगे, फिनिश। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कोल। कोल इज़ अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, कि कोल के अंदर क्या होता है, ये हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, कंबस्टिबल मिनरल होता है, यानी बर्न हो सकता है इजिली, और किससे कंसिस्ट होता है ये, कार्बन से। इट इज़ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, कहाँ मिलता है हमें, अर्थ के सरफेस के नीचे मिलता है डीप। ओके, इंडिया में जो हमारा कोल है वो मेनली फाउंड इन बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, एमपी में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और बिहार में मिलता है हमें, ये इंडिया के अंदर। ठीक है, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट इन वेट लैंड्स ऑन द अर्थ गोट ब्यूरिड अंडर अर्थ सरफेस ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वोल्केनोज, कि जब भी हमारे वोल्केनो या अर्थक्वेक या फ्लड्स आते थे तो क्या हो गया, 300 मिलियन ईयर्स एगो पहले, कि जो हमारा डेंस फॉरेस्ट था, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट था, वेटलैंड्स में प्रेजेंट था, वो क्या हो गया था, अर्थ के नीचे ब्यूरिड हो गया था, यानी उसी के नीचे क्या हो गया था, दब गया था अर्थ के नीचे, ठीक है, सोयल के नीचे। तो उसके बाद कुछ टाइम जाने के बाद कि मोर एंड मोर सोयल गेट डिपॉजिटेड ओवर दैम, कि उसके ऊपर क्या हो गया, सोयल डिपॉजिट होती चली गई, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लग गया, प्रेशर लगना स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, और अब्सेंस ऑफ एयर, यानी जब वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो एयर वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो वुड ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज गोट्स कन्वर्टेड इन टू कोल, कि जो हमारी वुड थी किसकी, फॉरेस्ट की, ठीक है, ट्रीज, फॉरेस्ट में क्या था, ट्रीज, तो ट्री की जो वुड थी वो किस में कन्वर्टेड हो गई, कोल में। कितने थाउजेंड ईयर्स लगे उसको, 300 मिलियन ईयर्स लग गए। ओके, तो देखो द प्रोसेस बाय विच प्लांट रिमेन्स गेट कन्वर्टेड इन टू कोल, ठीक है, कि क्या होता है, कि कौन सी प्रोसेस होती है, कि किस प्रोसेस में क्या होता है, कि जो प्लांट्स के रिमेन्स है, ठीक है, जो प्लांट्स के पार्ट पार्ट हैं वो किस में कन्वर्टेड हो जाते हैं, कोल में कन्वर्टेड हो जाते हैं, किसके सरफेस के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स की, किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट्स से क्या हो सकता है, अर्थ के जो हमारे जो फॉर्मेशन हो सकते हैं किसकी, कोल की। ठीक है, देखो सपोज यहाँ पे हमारा ट्रीज़ हैं, ठीक है, ट्री की जो वुड है ये ऐसी कैसे अर्थ में पड़ी रहेगी, ठीक है, फिर उसके ऊपर वो क्या होता चला जाएगा, सोयल क्या होती जाएगी, डिपॉजिट होती चली जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं जो अर्थ की, ठीक है, इसके नीचे चली जाती जाएगी, और जब वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी तो किसकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पर कोल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, एयर की एब्सेंस रहेगी, तो इन्हीं कंडीशंस के अंदर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है आपकी, कोल की। ठीक है, तो द क्वालिटी ऑफ कोल डिपेंड्स ऑन द टाइम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि कितने ज़्यादा टाइम में, जितने ज़्यादा टाइम में बनेगा उतना ही बेस्ट कोल बनेगा। ठीक है, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेस्ट कोल रहेगा, टेम्परेचर भी, कि टेम्परेचर पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करते कि हमारे कोल की क्वालिटी कैसी है, बेस्ट क्वालिटी है या फिर बैड क्वालिटी। ओके, इट वॉज सब्जेक्टेड टू वाइल्ड फॉर्मेशन, ये सब कम देखते हैं हम, जब उसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, उसी पे उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। द कोल दैट वाज एक्टेड अपॉन बाय अ लॉट ऑफ हीट एंड प्रेशर एंड रिमेंड अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्गर टाइम वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बेस्ट वेराइटी, कि बेस्ट कोल कौन सा होता है हमारा, जो क्या कब बनता है, जब लार्ज हीट एंड प्रेशर के अंदर जो बनता है, ठीक है, और कुछ मैनी ईयर्स तक क्या रहता है हमारा, जो अनडिस्टर्ब रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, बेस्ट कोल होता है। ठीक है, अब इसके कार्बन कंटेंट के बेसिस पे, कितने किस कोल में कितना हमारा कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमने अपने कोल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने उसको, फाइव पार्ट्स में। फर्स्ट इज एंथ्रासाइट,
एंथ्रासाइट क्या होता है, आपका बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, बिकॉज इसके अंदर कितना परसेंट कार्बन होता है, 85 to 95% कार्बन होता है इसके अंदर, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्ड, हैज़ लो मॉइस्चर कंटेंट, कि हार्ड होता है इसके अंदर, मॉइस्चर बहुत कम होता है, तो मॉइस्चर कम है तो ऑब्वियसली कैसा होगा, हार्ड, ठीक है। इज़ कॉम्पैक्ट एंड जेट जेट ब्लैक इन कलर, कलर कैसा होता है, बिल्कुल जेट ब्लैक। एंथ्रासाइट कोल इग्नाइट स्लोवली एंड बर्न्स विद ए नाइस शॉर्ट ब्लू फ्लेम, कि बर्न्स कैसे होता है, ब्लू फ्लेम, ब्लू कलर की फ्लेम होती है, ठीक है। एंड कैन रीच अ वेरी हाई टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर भी इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल प्रोड्यूसिंग वेरी लेस स्मोक, ये कैसा क्लीन, कैसा फ्यूल है, क्लीन है, तो इसलिए तो इसको बेस्ट बोलते हैं हम, तो इसके अंदर जो स्मोक होता है वो क्या होता है, बहुत कम। नेक्स्ट नेक्स्ट इज हमारा बिटुमिनस कोल, ठीक है। बिटुमिनस कोल कौन सा होता है हमारा, कितने परसेंट कार्बन होता है इसके अंदर, 77 to 87, ठीक है। तो ये भी हमारा इससे थोड़ा सा लो है, बट बेस्ट क्वालिटी में ही आएगा ये भी। तो ये भी किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, तो ये हमारा जेट ब्लैक, ये सिंपल ब्लैक कोल विद ए रिलेटिवली हाई वोलेटाइल कंटेंट, कि इसके अंदर क्या होता है, हाई वोलेटाइल, वोलेटाइल मीन जो इजिली वेपोराइज हो जाए, ठीक है। लो मॉइस्चर एंड बर्न्स विद ए करेक्टरिस्टिक ब्राइट स्मोकी फ्लेम, इसके अंदर थोड़ा बहुत स्मोक तो आता है, मतलब इसके अंदर स्मोक कम था, इसके अंदर स्मोकी कंटेंट होता है हमारा, ठीक है। तो हाई कार्बन एंड लो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दिस फ्यूल मेक इट आइडियल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड सीमेंट, किस किस की फॉर्मेशन होती है हमारे इससे, स्टील एंड सीमेंट की फॉर्मेशन होती है, एज वेल एज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और कोल का यूज़ हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी करते हैं और कोक प्रोडक्शन में भी करते हैं, ठीक है, कि बर्निंग में, जैसे फूड वगैरह बनाने में। बर्निंग ऑफ दिस टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस स्मोक सूट एंड सल्फर ऑक्साइड्स विच कोज एसिड रेन एंड इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, कि इसकी बर्निंग से क्या, जैसे सूट स्मोक और सल्फर डाइऑक्साइड्स हमारी गैसेस फॉर्म होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिक्स मिलकर क्या बनाते हैं हमारी, एसिड रेन फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इसके बिल्डिंग्स वगैरह क्रॉप्स के लिए क्या होती है, हार्मफुल, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा सब ब्यूटिमिनस कोल, ठीक है। ये क्या होता है, किसके अंदर कितनी कार्बन कंटेंट होती है, 30 to 35%, ठीक है। इसके अंदर कितने थे, 77 to 87, इसके अंदर 30 to 35, ठीक है। इसके अंदर लोअर हीट वैल्यू होती है इसके कंपैरिजन में। इट इज़ वाइडली यूज्ड बिकॉज इट बर्न्स विदाउट गिविंग आउट मच स्मोक, कि ये क्या, इसको हम किस लिए बर्न करते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, कम स्मोक देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है, वेरी लो अमाउंट ऑफ कार्बन, लिग्नाइट के अंदर सबसे लो अमाउंट कार्बन की लो अमाउंट होती है, 25 to 35%, एंड केम इन टू एग्जिस्टेंस इन वेरी रिसेंट पीरियड्स, ठीक है। इट इज़ यूज इन पावर जनरेशन एंड इन द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोल, ये सबसे लोवेस्ट ग्रेड में आता है कोल के, और किस में यूज़ होता है, पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज पिट। पिट कौन सा मटेरियल होता है जो आपका सबसे पहले मिलता है जब हम कार्बोनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कौन सी थी कि जिससे हमें क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट्स के जो रिमेन्स है उसको हम कन्वर्टेड करते थे कोल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही क्या मिलना स्टार्ट हो जाता है, पिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, लेस कार्बन अमाउंट मिलेगी। कहाँ पे मिलता है हमारा, वेटलैंड्स में मिलता है। इट हैज़ ए लो कार्बन कंटेंट एंड ए हाई मॉइस्चर कंटेंट, कार्बन कंटेंट कम होता है, मॉइस्चर भी क्या होता है इसके अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। हैंस इट हैज़ ए लो हीटिंग कैपेसिटी, तो इसलिए इसके अंदर हीटिंग कैपेसिटी क्या होती है इसकी, लो।